हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गीतूज़ व्लॉग। तो काफ़ी दिन बाद मैंने व्लॉग शुरू किया है और आज हम जा रहे हैं कहाँ पे, वाटर पार्क में फूड। हाँ, तो हम जा रहे हैं फनन फूड वाटर पार्क और बस सब लोग निकल चुके हैं, बस मम्मी की वेटिंग कर रहे हैं। मम्मी आ रही है, हम जा रहे हैं, चार तीनों भाई बहन, मम्मी और हमारा बुड्ढी। तो चलिए मिलते हैं गाड़ी में। तो ये भी, ये खड़ा मेरा गुड्डू, गुड्डू का दिखा देती हूँ। जाओगे आती है आपको चलाने, बाइक पे चलोगे? नहीं तो चाबी तो नहीं है, पर कैसे स्टार्ट होगी? आप कोई हॉर्स हो, ऐसे तो हॉर्स करता है। नहीं नहीं, मोहित तो फोन कर लियो, इधर लिया होगा काफी। तो अब हम लोग निकल चुके हैं घर से और ये अभी घर से निकलते हैं। थोड़ी देर पहले मेरे हाथ में चोट लग गई, चूड़ी चल गई हाथ में, चूड़ी चुभ गई, तो काफ़ी गहरा कट आया, खून रुक ही नहीं रहा था, तो बैंडेज लगाई है। और ये आ रहा मेरा गुड्डू, इसकी मासी, और बस निकल का स्कूल में छोड़ेंगे। दही है यहाँ पे गुड्डू का स्कूल। अभी तो छुट्टी है। किसने बोला छुट्टी है? किसने बोला? कोको गई है ना, चेतन भी गया ना, और क्या की छुट्टी थी। गुड्डू भी जाएगा, आकाशी की भी पूछा था मैंने, आकाशी दीदी की भी, नोनी दीदी की भी नहीं है छुट्टी, वो भी गई है स्कूल में। ये क्या फिर मेरी क्यों, मुझे भी छोड़ के आओ, बोलो ये क्या है? छुट्टी है। मिठू एक लिमका की पेटी उठाई। हां, जो गोल्डन नंबर गुड्डू हॉर्स। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं फन एंड फूड और मेरा भाई हम लोगों को छोड़ के वापस चले गया, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था वाटर पार्क में, तो वो चला गया है। और मेरा यशमित काफ़ी एक्साइटेड है, ये मम्मी आ रही है पीछे। तो ये है भाई इसकी, तो ये यहाँ पे एनिमल्स के कुछ स्टैचू वगैरह थे जिसको देख के यशमीत जो है वो थोड़ा सा डर गया था। ये देखिए, मम्मा इसको टाइगर पे बैठाने के लिए लेके जा रही थी, पर ये देख ले, आप देख सकते हैं कितनी नौटंकी कर रहा है। वैसे इसको डर नहीं लगता है, ये बस वैसे ही नाटक कर रहा था अभी। तो फ्रेंड्स, ये है टिकट काउंटर जो कि 12 बजे ओपन होता है। नहीं, टिकट काउंटर तो वैसे एक्चुअली ओपन हो जाता है 9 बजे के करीब, पर एंट्री जो होती है वो 12 बजे होती है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीड़ लगी हुई है। तो टिकट यहाँ पे थी फ्रेंड्स, बच्चों की जो थी 13 साल से जो कम के बच्चे थे उनकी थी यहाँ पे टिकट 500 रुपये प्लस GST, और जो एडल्ट्स की थी वो थी 1100 प्लस कुछ थी, 1180 कुछ जो कि GST इंक्लूडेड थी, और जो कपल्स की थी वो थी 900 प्लस GST। तो इस तरह से हमारी टिकट थी, पर हमारे सिंगल सिंगल के हिसाब से टिकट लगी थी। तो ये अब यशमीत काफ़ी खुश हो गया है और इसका डर भी जो है वो ख़त्म हो गया है, तो ये आराम से बैठा हुआ था। तो फ्रेंड्स, हमने एंट्री कर ली है। एंट्री करते ही ये है कॉस्ट्यूम वगैरह, एक ये शॉप है जिस पे कॉस्ट्यूम आप लेना चाहो तो आप अपना नया भी ले सकते हो, अदर देन यहाँ पे ये जो है वो रेंटेड भी मिलते हैं। तो हमने तो रेंट ही लिया था, मम्मी ने और मेरी भी सिस्टर ने लिया था, क्योंकि मैं अपना लेके आई थी अपने कपड़े। तो यहाँ से हमने यशमित के लिए वो रिंग लिया था ये, तो और यशमित ने यहाँ पर अपने लिए कुछ टॉय भी सिलेक्ट किए थे जो कि हमने जाते वक्त लिया था।
तो ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ये हमने फ़ोन का कवर लिया है ताकि पानी में जाए तो फ़ोटो वगैरह खींचने में प्रॉब्लम ना हो, पानी वानी में गिरने का डर ना रहे फ़ोन का। तो ये यहाँ पे एंट्री करते ही जो है ये यहाँ पे आपको ये सामने ये टेंट दिख रहा है, इसमें है लॉकर। लॉकर में भी काफ़ी अच्छी लंबी लाइन थी, लॉकर और कॉस्ट्यूम दोनों इसी तरफ थे। तो ये मेरा यशमीर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, ये आप देख सकते हैं इसकी खुशी, ये बहुत ज़्यादा खुश था और इसे हम ज़बरदस्ती खींच कर लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स ये है लॉकर रूम और ये यहाँ पर चेंजिंग रूम है जेंट्स का और लेडीज़ का अलग अलग था। और ये देख सकते हैं आप, ये इस तरफ ये इतना जो है अभी वर्किंग में चल रहा था काम, यहाँ पर भी और भी चूल्हे वगैरह यहाँ पर लगेंगे पर अभी उनका काम चल रहा था। तो ये मेरा गुड्डू बैठा है इधर, ये हमने कॉस्ट्यूम वगैरह अपने चेंज कर लिए हैं और ये मेरा गुड्डू आ चुका है वाटर में। तो मैंने फ़ोन अपना कवर में डाल लिया था प्लास्टिक बैग में और अपने ऐसे गले में लटका लिया था ताकि गिर गिर ना जाए, गिर जाएगा तो भी कोई डर नहीं था क्योंकि इसमें वाटरप्रूफ था, ये बिल्कुल भी एक बूंद भी इस पानी इसके अंदर नहीं गया था। और आप देख सकते हैं मेरे गुड्डू की खुशी, मेरे बेटे की खुशी, कितना खुश है ये। तो फ्रेंड्स वैसे जितना इसका प्राइस था, जितने की इसकी टिकट थी, उस हिसाब से उतना एंटरटेनिंग, उतना मज़ा यहाँ पर नहीं आया, थोड़ा ज़्यादा ही पैसे ये लोग ले रहे थे। झूले वगैरह कुछ भी नहीं थे, बस एक ये स्लाइडिंग ओपन था और सारे झूले जो हैं वो बंद थे। तो कुछ ऐसा कुछ खास मज़ा नहीं आया हमें तो, और बस मैं यशमित ने काफ़ी इंजॉय किया क्योंकि वो तो पानी देख के ही खुश था और झूले वगैरह उसने झूलने भी नहीं थे तो काफ़ी डर लग रहा था मुझको तो वैसे भी। तो इसके लिए इसके हिसाब से काफ़ी अच्छा था, ठीक था, इसने खूब इंजॉय किया। उनके साथ आए हुए उनके परिवार के सदस्यों की
फ्रेंड्स, ये था डाइनिंग एरिया रेस्टोरेंट, जो कि इनका खाना था वो था, और ये उस हिसाब से मैंने बकवास खाना बनाया, मुझे पसंद आया। चावल जो है वो बेकार से क्वालिटी के थे, और कड़ी चावल कड़ी भी ऐसे बकवास बना रही थी, कड़ी राजमा चावल, कड़ी चावल, छोले चावल, हाँ सैलेड, और इसे तो हम खींच खींच कर लेकर आए हैं। ये अभी प्रॉमिस किया है कि
कल फिर से आएंगे हम स्विमिंग करने, तो तब जाके ये वापस आया है। और ये यहाँ पर पार्किंग एरिया है जो कि गाड़ी के लिए 50 रुपीज़ और बाइक वगैरह के लिए 20 रुपीज़ था। तो बस हम लोग अभी अपनी गाड़ी का वेट। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा व्लॉग, वाटर पार्क व्लॉग। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब।